हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने पुराने लहंगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह के लहंगे आपको खरीदना या फिर बनाना चाहिए जो कि हमेशा फैशन में रहे। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लहंगे दिखाती जाती हूँ और साथ ही साथ उनकी डिटेलिंग आपको देती जाऊंगी। तो यहाँ पे है ये एक लहंगा, ये कली वाला लहंगा है और नीचे में इस तरह से इसमें हैवी बॉर्डर लगी हुई है। तो इस तरह के लहंगे लगभग 6 साल पहले काफी ज्यादा फैशन में थे। वैसे तो ये बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी इस तरह के लहंगे चलते हैं, थोड़े से चेंजेस उसमें आ जाते हैं, ब्लाउज वगैरह दुपट्टा वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जो ब्लाउज है आप चाहे तो उसके साथ नया सिलवा सकते हैं या फिर आप खुद सिल सकते हैं या फिर कुछ डिफरेंट लुक में आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप भी उन्हें इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। और इस लहंगे के साथ ये ब्लाउज है, ये बैक में इस तरह का डिजाइन है और फ्रंट में इस तरह का डिजाइन है। ये प्रिंसेस कट में बना है और डबल कलर में इसको बनाया गया है, और साइड में इसकी जो स्लीव्स है उसमें भी इस तरह से ये बांधने वाला लगाया गया है। तो मुझे इसके साथ ये पसंद नहीं आता है और ये पुराना डिजाइन भी हो गया है। तो अभी मैंने इसके साथ एक ब्लाउज बनाया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है वो ब्लाउज, ये कई सारी साड़ियों के साथ भी चल जाएगा और काफी सारे लहंगों या फिर स्कर्ट के साथ भी ये चल जाएगा। और लहंगे के साथ में ये है दुपट्टा, तो कॉन्ट्रास्ट में ये दुपट्टा है। दुपट्टे में भी बॉर्डर लगी हुई है इस तरह की चौड़ी बॉर्डर, और दुपट्टे के एंड में इस तरह की चौड़ी बॉर्डर लगी है और बीच बीच में इस तरह के बूटे बने हुए हैं। इसका प्योर का फैब्रिक है, तो प्योर के जो फैब्रिक होते हैं उसमें जो कम्फर्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। दुपट्टे की जो ड्रेपिंग वगैरह होती है बहुत अच्छी होती है क्योंकि इस कपड़े में फॉल होता है तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। तो ये दुपट्टे काफी अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा इन्हें केयर करना होता है क्योंकि इनका जो ये डायगल होते हैं तो कलर वगैरह जल्दी फेड हो जाता है। तो यदि आपके पास प्योर की साड़ी रखी है तो आप इस तरह का लहंगा और दुपट्टा उससे बना सकते हैं। कई सारे लहंगे की मेकिंग के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी तरह के लहंगे की मेकिंग की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये जो ब्लाउज है ये जो है देख सकते हैं आप, बिल्कुल इससे मैच हो रहा है क्योंकि इसमें भी रानी कलर है। ये है यहाँ पे एक बेस्ट कोट, तो ये जो बेस्ट कोट है ये मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया है। यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे फ्रिल लगाई हुई है और यहाँ पे लेस दी है जिससे कि ये नेक लाइन बन गई है, और इस फ्रिल की वजह से इसमें कॉलर का लुक आ रहा है। और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आप इस तरह की जैकेट को कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ये जैकेट मैंने यहाँ सामने से ओपन रखी है, वैसे तो चाहे तो इसमें एक बटन भी लगा सकते हैं लेकिन मैं अभी इसको ओपन करके ही पहनने वाली थी तो मैंने इसमें अभी कोई बटन वगैरह नहीं लगाया है। और इसके अंदर मैं ये ब्लाउज पहनती हूँ, और इसके साथ वैसे गोल्डन ब्लाउज भी चल जाता है, कई सारे ब्लाउज इसके साथ चल सकते हैं क्योंकि ये ऐसा कलर है कि कोई भी प्लेन टॉप या ब्लाउज वगैरह पहन सकते हैं। और इसकी मेकिंग का वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरह की जैकेट की मेकिंग का वीडियो मिल जाएगा। और ये जो कपड़ा है ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क की साड़ी के साथ जो ब्लाउज आते हैं उस कपड़े से मैंने इसे बनाया है, और थोड़ा सा ये कम पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स रखी हैं, तो यहाँ पे मैंने एक सेम कलर में दूसरा कपड़ा यहाँ पे ऐड किया है, ये हल्का सा ब्रासो में कपड़ा है। तो इस तरह से ये काफी अच्छी जैकेट बन गई है। जैकेट होती है इनको कई अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं, और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी मैं आपको अपनी जैकेट का कलेक्शन दिखाऊं,
तो बहुत ही जल्दी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कुछ जैकेट मेरी यहाँ पे है और कुछ जैकेट मेरे मायके भोपाल में रखी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि सारी जैकेट एक साथ हो जाने दो, फिर मैं आपको सारी जैकेट एक साथ दिखाऊंगी। अब यहाँ पे है ये ऑरेंज लहंगा और ये भी बहुत सुंदर लहंगा है। ये पूरा लहंगा एक जैसा है, इसमें ज्यादा बॉर्डर वगैरह नहीं है। यहाँ पतली सी बॉर्डर एक मैंने यहाँ पे दी थी। और ये जो लहंगा है ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने इसे गाउन में से बनाया है। जी हाँ, एक मेरे पास गाउन था लॉन्ग सा, लेकिन ऊपर से मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि नेट वगैरह लगी हुई थी। उसकी फोटो वगैरह नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको फोटो दिखाती। जो गाउन था उसे मैंने ऊपर से कट कर दिया और ये स्कर्ट उससे मैंने बना दिया। बहुत ज्यादा काम इसमें नहीं करना पड़ा, बस यहाँ पे एक नेफा लगाना पड़ा। तो यदि आप गाउन में से स्कर्ट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कई बार गाउन क्या होता है ऊपर से खराब हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन नीचे से गाउन बहुत अच्छा रहता है और पहन पहन के भी हम बोर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा रियूज आप उससे कर सकते हैं। आप उसे ऊपर से कट कर सकते हैं, ऊपर का पोर्शन यदि अच्छा है तो आप उससे ब्लाउज बना सकते हैं, कोई और फैब्रिक से ऊपर का पार्ट बना सकते हैं, या फिर आप स्कर्ट बना सकते हैं। तो स्कर्ट यदि आप बनाते हैं तो आपको सिर्फ नेफा लगाना होता है, और नेफा कैसे लगाना होता है ये मैंने अपने लहंगे के मेकिंग के वीडियो में बताया है, तो वहां से आप देख के इजीली नेफा लगा सकते हैं और बहुत ज्यादा काम इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मेरा बहुत अच्छा स्कर्ट बन गया और इसका जो कपड़ा है बहुत अच्छा है। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं। और मैं ऐसे कई अलग अलग ब्लाउजेस के साथ स्टाइल करती हूँ, कुर्ती के साथ भी स्टाइल करती हूँ। तो कुछ तरीकों से स्टाइल करके आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, तो आप आगे देख सकते हैं। इसके पहले जो लहंगे का वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने ये गोल्डन ब्लाउज आपको दिखाया था, तो ये काफी अच्छा ब्लाउज है, इसे मैंने ही बनाया था मेरी शादी के टाइम पे। इसके साथ हमें ऐसा लगा थोड़ा सा हम इसको और हैवी बनाएं, तो फिर हमने क्या किया कि इसके साथ दुपट्टा खरीदा। तो सिल्क का ही दुपट्टा हमें मिल गया एकदम मैचिंग का, इस तरह के इसमें ये बूटे बने हुए हैं। और ये जो दुपट्टा है ये स्कर्ट के साथ एकदम परफेक्ट मैच होता है और बहुत ही रॉयल लुक इसमें आता है। और ये जो स्कर्ट है इसके साथ के लिए एक कुर्ती भी बनाई थी, तो ये है वो कुर्ती। ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ अपनी सिल्क कुर्ती के कलेक्शन के वीडियो में। तो इस तरह की ये कुर्ती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये भी सिल्क मटेरियल की है और बहुत ज्यादा मैंने इसमें डिजाइन नहीं दी थी सामने की तरफ, मैंने इसमें बस पतली सी लेस लगाई थी, फोल्डिंग वाली इसमें स्लीव्स दी थी और सामने की तरफ मैंने यहाँ पे मेटल की 3 बटन्स लगाए थे और नीचे में मैंने यहाँ पे इस तरह का कट दिया था और पीछे स्ट्रेट कट दिया था, आगे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कर्व में कट दिया था। तो दोनों पे ही मैंने इसमें लेस लगा दी थी। अब ये है ग्रे जैकेट और इसकी मेकिंग का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। ये काफी सुंदर जैकेट है और काफी इजी तरीके से ये बन गई थी। इसकी मेकिंग का वीडियो आप जरूर देखिएगा यदि आप इस तरह की जैकेट बनाना चाहते हैं तो यदि विंटर में किसी फंक्शन में इसे पहनना है तो इसे हम पहन सकते हैं, क्योंकि ये फुल स्लीव्स की है तो थोड़ी सी ठंड इसमें बच जाती है और स्वेटर वगैरह के कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टाइलिश दिखती है। अब मेरे पास है बहुत ही सुंदर सा एक नेट का स्कर्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो स्कर्ट, ये गोल्डन कलर की नेट से बनाया है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली जो नेट होती है बहुत ही प्यारी लगती है, तो उससे ये बनाया है। और ये कली वाला स्कर्ट है और इसके नीचे यहाँ पे पिंक कलर का अस्तर लगाया है, तो बहुत ही अच्छा इसमें लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं गोल्डन प्लस पिंक बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और ये जो कलर है ये हमेशा चलता है। और ये जो लहंगा जिस तरह से बना है, ये लहंगे की जो फैशन है वो कभी भी आउट नहीं होगी,
तो आप इस तरह का लहंगा बना सकते हैं, और जो इसके पहले मैंने ऑरेंज लहंगा आपको वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो लहंगे होते हैं इनमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होती है, ज्यादा कोई वर्क नहीं होता है, तो इस तरह के जो लहंगे होते हैं वो आप कभी भी पहन सकते हैं। बस आप चाहें तो इनके ऊपर ब्लाउज वगैरह चेंज कर सकते हैं, दुपट्टा चेंज कर सकते हैं। तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए नेट का कपड़ा लिया था, और जो कपड़ा था उसमें इस तरह से किनारे पे ये बॉर्डर थी, तो बॉर्डर को इसमें अलग से काट के लगाया है, क्योंकि कलियां काटने से बॉर्डर बार बार कट जाती। बॉर्डर को कट कर लिया था और उसके बाद कलियां ज्वाइंट करने के बाद बॉर्डर को वापस लगा दिया। ये आप चाहें तो अपनी नेट की साड़ी से भी बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी में से ये इजिली बन जाएगा और नेट की साड़ी का बहुत अच्छा रियूज आपका हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेट की साड़ी से आप ये बना सकते हैं, लगभग 3 मीटर में ही ये बन जाएगा। तो कली वाले लहंगे की मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक तो उस वीडियो से आपको कली कट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, कितना कपड़ा लगता है, किस तरह का कपड़ा लेना चाहिए, कली से रिलेटेड मैंने वहां पे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा। और कली वाले जो लहंगे होते हैं ये भी कई अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं, जैसे कि ये जो कली वाला लहंगा है ये थोड़ा सा हिप तक फिट है, उसके बाद ये घेर इसका खुलता है। यदि आप कली वाला लहंगा बना रहे हैं तो हिप तक उसे टाइट फिटिंग में लें, और उसके बाद आप चाहें तो कली की जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ा सकते हैं। कली वाले लहंगे का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। यदि पेट वगैरह निकला होता है तो फिटेड जो लहंगे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से ही उसको फ्लफी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो ऊपर से ही लूजिंग दे सकते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है पेट वगैरह नहीं दिखता है। तो जो ऑरेंज वाला लहंगा था वो ऊपर से ही थोड़ा सा लूज है, तो उसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है। और ये जो गोल्डन लहंगा है ये मेरी सासू माँ ने अपने लिए बनवाया था, तो ये काफी बार वो पहन चुकी है, और इसके साथ उन्होंने एक ब्लाउज बनवाया था, ये है वो ब्लाउज, तो ये भी उन्होंने अलग से सिल्क का मटेरियल लिया था और इस तरह का ब्लाउज उन्होंने बनवाया था। तो ये जो मिरर वाली लेस है वो यहाँ पे लगवाई थी, और आगे से प्रिंसेस कट है, तो सिंपल ब्लाउज है। इस तरह के ब्लाउज अभी भी चलते हैं, बस स्लीव्स थोड़ी सी आजकल लंबी चल रही हैं, या फिर कोई डिजाइनर स्लीव्स चल रही हैं, तो आप चाहें तो स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं और इस तरह का ब्लाउज बना सकते हैं, ये हमेशा चलेगा। और अब इसके साथ उन्होंने बनवाया था एक दुपट्टा, तो ये है वो दुपट्टा, ये भी बहुत सुंदर दुपट्टा है। जो चिकनी चमेली साड़ी आती थी फोम वाली, वो ये साड़ी है, और इसमें ये चमकी लगी हुई है, तो बहुत ही सुंदर लुक इसमें आता है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग इसमें आती है जब लाइटिंग वगैरह इसमें पड़ती है, तो बहुत ही सुंदर ये लगता है। और इसमें लगी हुई है ये मिरर वाली बॉर्डर, क्योंकि ब्लाउज में भी उन्होंने बॉर्डर लगवाई थी मिरर वाली, और ये ओरिजिनल मिरर है, ये जो चमकी पट्टी आती है ना वो नहीं है। तो मैं इसको ड्रेसेस के साथ भी पहनती हूँ, और ये जो लहंगा है अब मेरी सासू माँ ने मुझे दे दिया है, क्योंकि वो पहन पहन के बोर हो गई है, तो अब मेरे पास ये आ गया है। और ये मैं किस तरह से स्टाइल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रानी ब्लाउज है इसके साथ मैंने एक बेल्ट भी बनाई थी, इसमें भी ये मिरर वाला इफेक्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाती है। इसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बेल्ट बना के दिखाइए, तो वैसे मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको एक लेस लेना है ब्रॉड सी, और पीछे चाहें तो आप उसमें कपड़ा लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लेस को ही ऐसा राउंड में पहन सकते हैं, बस आपको यहाँ पे हुक लगाना है अपनी कमर के अकॉर्डिंग। और यदि आपको एकदम फिटिंग में ये बनाना है और उसको फिर आपको एडजस्ट करना है, कभी आपको हाई वेस्ट या लोएस्ट पे पहनना है, तो इलास्टिक लगाने से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपका जो शेप है वो प्रॉपर ले लेगा और फिटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप हल्की सी इलास्टिक लगा दें, आप चाहें तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आई वगैरह बना सकते हैं अपनी कमर के नाप के अकॉर्डिंग, और हुक उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल एक हुक लगा दिया था, एक आई बना दिया था, क्योंकि काफी जल्दी हो रही थी मुझे, तो इसे मैं फिलहाल अभी पिन वगैरह लगा के पहन लेती हूँ यदि मुझे एडजस्ट करना होता है, बाद में मैं इसमें और भी हुक वगैरह लगा लूंगी। और एक अच्छा सा बेल्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी जो कि एडजस्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो।
मेरे पास है यहाँ पे पिंक कलर की पैप्लम कुर्ती। ये जो कुर्ती है ये भी मैं गोल्डन स्कर्ट के साथ पहन सकती हूँ क्योंकि उसमें भी पिंक कलर है और ये भी पिंक कलर की है। तो जब मैंने उस स्कर्ट के साथ इसे पहन के देखा तो उसके साथ भी मुझे ये काफी अच्छी लगी। तो यदि आप टीनेजर हैं या फिर अनमैरिड हैं तो इस तरह की पैप्लम कुर्ती आप पहन सकते हैं। ये है एक जूट मटेरियल में बहुत ही प्यारा स्कर्ट। तो यहाँ पे ये इस तरह का है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। पास से शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। ये भी कली में ही बनाया गया है लेकिन इसकी जो कली है ये बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी कलियां हैं क्योंकि यहाँ पे 8 कली ही इसमें केवल दी गई है। और 6 कली का स्कर्ट भी मैंने आपको बना के दिखाया है। थोड़ा सा उसी तरह से 8 कलियां भी कट की जाती हैं। 8 कली का शायद मैंने आपको नहीं दिखाया है तो आगे किसी वीडियो में मैं आपको 8 कली कट करना भी बताऊंगी। वैसे जिस तरह से पेटीकोट कट होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये कट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है इसको बनाना भी। आप चाहें तो इस तरह का एक गोल्डन स्कर्ट जरूर बना लें क्योंकि ये जो स्कर्ट है ये आपका बहुत सारे ब्लाउजेस कुर्तीस के साथ मैच कर जाएगा। मैंने अलग अलग ब्लाउज के साथ इसको पहन के फोटोशूट भी किया है तो मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैंने 2 ब्लाउज के साथ वीडियो में दिखाया है तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसका जो फैशन है वो कभी भी आउट नहीं होगा, ये हमेशा चल जाएगा। आप इसे स्कर्ट की तरह पहन सकते हैं, लहंगे की तरह पहन सकते हैं, कुर्ती ब्लाउज क्रॉप टॉप किसी के साथ भी इसे पहन सकते हैं। ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे नीचे में बस एक ये मोती वाली लेस लगी है, इसके अलावा इसमें कोई भी वर्क नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर लेसेस आजकल मार्केट में अवेलेबल है तो आप चाहे तो इस तरह का स्कर्ट बना के उसमें लेस लगा सकते हैं। और ये जो गोल्डन स्कर्ट है इसके साथ मैंने पहना है ये हॉल्टर नेक ब्लाउज। तो ये जो हॉल्टर नेक ब्लाउज है इसकी मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर किया था और काफी अच्छा वीडियो था, काफी लोगों ने उसे पसंद किया था। तो आप भी यदि हॉल्टर नेक ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये ब्लाउज बना के दिखाया था। ये ब्रॉकेट फैब्रिक का है और ब्रॉकेट फैब्रिक अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है, इसमें लेसेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ही अच्छी शाइनिंग इसमें होती है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कलर इसमें चेंज हो रहा है। जो हॉल्टर नेक ब्लाउज होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, थोड़ा सा सेक्सी लुक आता है। ये मैंने ब्लाउज बनाया था, आप चाहें तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के इसे एज अ क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। वैसे अभी भी मैंने एज अ क्रॉप टॉप ही पहना है, बस थोड़ी सी लेंथ इसकी मुझे कम लगी लेकिन मुझे इस गोल्डन स्कर्ट के साथ ये काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने पीछे इसमें कट दिया था तो जब मैंने इसे पहना तो हुक लगाने वाला कोई नहीं था तो जैसे तैसे मैंने नीचे के 2 हुक लगाए, उसके बाद हुक खुला हुआ है। आप देखेंगे वीडियो में तो आपको पता लगेगा। यदि आप कोई छोटी बेबी या फिर टीनेजर के लिए लहंगे के लिए ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप हॉल्टर नेक या फिर स्ट्रैप वाला ब्लाउज बना सकते हैं क्योंकि छोटी बच्चियों के ऊपर ये काफी अच्छा लगता है। इसकी मेकिंग की जो मैंने मेथड आपको बताई है बिल्कुल वही तरीका रहेगा, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से आप किसी भी साइज से इसे बना सकते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मेरे पास है यहाँ पे ऑफ व्हाइट कलर का दुपट्टा। इसका जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा टाइप का फैब्रिक है। ये साड़ी का ही कपड़ा था तो साड़ी के कपड़े में से मैंने बनाया था। तो इस तरह से जो हाफ हाफ साड़ी होती थी उसमें ये पल्ले में था और इसमें कुछ अलग तरह की बॉर्डर थी तो वो मैंने सब निकाल दी थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। साड़ी बहुत ज्यादा हैवी नहीं थी लेकिन ये पोर्शन, ये जो कपड़ा था ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने वहां से इस कपड़े को निकाल लिया। और मेरे पास ये दूसरी साड़ी की इस तरह की बॉर्डर थी जो कि एक साड़ी में से मैंने ड्रेस बनाई थी तो उसमें से ये बची थी तो मैंने यहाँ पे ये लगा ली। और एंड में मैंने ये जो कपड़ा लगाया है ये ब्लाउज पीस है, आप देख सकते हैं इस तरह के ब्लाउज पीस आते हैं। थोड़ा सा अच्छा वाला कपड़ा था, ये शिमर जैसा इसमें लग रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें ये टेक्सचर भी है। मेरे पास ब्लाउज पीस पड़ा था तो मुझे ब्लाउज नहीं बनाना था तो मैंने उसे बीच में से कट किया और दोनों एंड में इसके जोड़ दिया क्योंकि पल्ला थोड़ा छोटा मुझे लग रहा था तो लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये जोड़ा। मैंने यहाँ पे तिरछी ये गोटा पट्टी लगाई हुई है, इस तरह से ये मेरा बहुत अच्छा दुपट्टा बन गया। ये मुझे काफी अच्छा लगता है
और कई सारी कुर्ती के साथ मैं पहनती हूँ, और मैंने एंड में इस तरह के ये जो टैशल्स आते हैं वो मैंने लगा दिए, तो चार चार टैशल्स मैंने दोनों साइड लगाए हैं। तो इस तरह से ये जुगाड़ वाला दुपट्टा बन गया। आप भी चाहें तो इस तरह से कपड़ों को जोड़ जाड़ के दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के दुपट्टे मार्केट में खरीदेंगे तो ये 400-500 रुपए के आते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं यदि बहुत अच्छा कपड़ा हुआ रहता है। तो आप चाहें तो आप बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके ही एकदम लो बजट में, या फिर कभी कभार तो फ्री में ही ये दुपट्टे हमें पड़ जाते हैं, जैसा कि मुझे पड़ा। फ्रिल वगैरह भी लगा सकते हैं, अभी फ्रिल वाले दुपट्टे भी चल रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के डिजाइनर दुपट्टे आप अपने द्वारा लो बजट में बना सकते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर फिरोजी ब्लाउज। ये ब्लाउज की मेकिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये जो ब्लाउज है ये बहुत ही अच्छा ब्लाउज है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे कपड़े से बनाया है, और इसकी स्लीव्स में भी मैंने ये अलग से, मेरे पास कपड़ा पड़ा था ये वर्क वाला, तो वो मैंने लगाया है। साथ में मैंने गोटे की लेसेस वगैरह भी लगाई है। तो यदि आप इसकी मेकिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरह से इसे बनाया है। और ये मैंने पैड अलग से इसमें लगाए हैं, तो किसी ब्लाउज में अलग से पैड कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बताया है। कोई कोई ब्लाउज ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डीप नेक लग रहा है आपको और आपने उसमें पैड नहीं लगाए हैं, तो आप अलग से भी पैड लगा सकते हैं। और ये जो ब्लाउज है ये मैंने सिल्क की साड़ी के लिए बनाया था, तो जब मैंने इसे निकाला तो मुझे लगा कि ये जो ऑरेंज वाला स्कर्ट है जो मैंने आपको पहले दिखाया है उसके साथ ये काफी अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसको पहन के देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रॉयल लुक आ गया। तो आप भी अपने पुराने लहंगों को इस तरह से नए तरह के ब्लाउज के साथ पहन के देखें, वो काफी अच्छे लगेंगे। ब्लाउज है इसके साथ कुछ छोटे छोटे से कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने उसका भी बहुत अच्छा रियूज किया है। तो ये है बहुत ही अच्छा रीयूज, ये है पोटली बैग। ब्लाउज का जो प्लेन फैब्रिक था वो मैंने नीचे लगा के उसमें गोटा लगा दिया और यहाँ पे स्टोन चिपका दिए, और जो वर्क वाला फैब्रिक था वो कम था तो वो मैंने यहाँ ऊपर में लगा दिया। और ये मैंने एक डोरी लगाई है ये बीट डाल के, और दूसरी एक और मैंने पट्टी लगा दी थी, जैसे कभी कभी ये ज्यादा हैवी लगता है, हम बैंगल्स वगैरह पहनते हैं तो ये हैवी लगता है, तो फिर इसको अंदर कर सकते हैं तो ये अंदर चला जाएगा और ये हम इजीली इससे यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप लहंगा वगैरह बनाते हैं और हैवी ब्लाउज बनाते हैं तो आप मैचिंग की पोटली बैग जरूर बनाएं, ये काफी ज्यादा यूज हो जाती है। साड़ी वाला फ्रोजी लहंगा था, आपने इसके पहले जो वीडियो देखा होगा लहंगे वाला, उसके साथ भी ये काफी अच्छा लगता है। मैंने इसको लिया भी था बट उस समय मैं दिखाना आपको भूल गई थी, तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में मैंने ब्लाउज के मैचिंग का मास्क भी बनाया था, क्योंकि अभी मास्क कंपलसरी ही हो गया है, तो शादी वगैरह में जो नॉर्मल मास्क होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इस वजह से मैचिंग का ही मास्क बना लिया था, बॉर्डर लगा दी थी। इसकी मेकिंग का भी वीडियो शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसको देख के भी ये मास्क बना सकते हैं। मेरे पास है यहाँ पे ये ग्रीन स्लीवलेस ब्लाउज, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने थोड़ी सी बड़ी ही रखी है, क्योंकि मैं इसे एज अ क्रॉप टॉप पहनती हूँ, और इसमें जो टेक्सचर है वो वेलवेट का है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम प्लेन ब्लाउज मैंने बनाया है, पीछे से नेक थोड़ा डीप रखा है, आगे बोट नेक दिया है। तो ये ब्लाउज भी मैं ऑरेंज कलर के लहंगे के साथ पहन सकती हूँ, गोल्डन लहंगे के साथ भी ये चल जाता है। फिलहाल मैंने अभी इसे ऑरेंज स्कर्ट के साथ पहना है, और उसके साथ मैंने पहनी है ये श्रग। तो ये जो किमोनो श्रग है, इनका फैशन अभी बहुत ज्यादा है,
तो ये जब हम पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने इस तरह से दुपट्टा डाला हुआ है, और इसे बनाना बहुत इजी है। इसे मैंने साड़ी के फैब्रिक में से ही बनाया था, और इसे भी किस तरह से बनाना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बहुत ही स्टाइलिश ये लगती है, और इन्हें भी आप कई अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जब मैंने इसकी मेकिंग का वीडियो दिखाया था तो उसमें मैंने आपको इसे स्कर्ट और प्लाजो के साथ पहन के दिखाया है, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इस तरह की एक शर्ट जरूर बना के देखें। आप इस शर्ट को बनाने के लिए अपने ओल्ड दुपट्टे या फिर ओल्ड साड़ी का रियूज कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने बेल्ट भी पहना है, तो जो बेल्ट मैंने आपको पहले दिखाया था वही बेल्ट मैंने इसके साथ भी पहना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा बहुत ही सुंदर सा लहंगा। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ का लहंगा है, और मेरी सासू माँ का और मेरा साइज जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे बहुत सारे कपड़े उनके आ जाते हैं। तो जब भी उनको कोई कपड़ा रिजेक्ट करना होता है तो वो मुझे दे देती हैं, और मैं उसका बहुत ही अच्छा रीयूज करती हूँ। तो अभी फिलहाल उन्होंने मुझे एक लहंगा दिया है, तो ये है वो लहंगा। और ये जो लहंगा है ये मैंने साड़ी में से ही बनाया था। इस लहंगे को बनाने के लिए हमने साड़ी खरीदी थी, क्योंकि जब हम लहंगे के लिए कपड़ा खरीदने गए तो हमें कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, तो कलर कॉम्बिनेशन भी हमें ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए हम साड़ी ही लेते हैं, क्योंकि साड़ी से कोई भी आउटफिट बनाने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिल जाती है। हमें अलग से बॉर्डर वगैरह नहीं खरीदनी होती है, क्योंकि ज्यादातर साड़ियों में बॉर्डर लगी आती है, और यदि आप दो कलर में साड़ी ले रहे हैं तो उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन भी हमें ऑलरेडी मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये डबल कलर में साड़ी खरीदी थी। तो पूरी साड़ी इस तरह की थी, इसमें बॉर्डर पिंक कलर की थी। ये मेरी सासू माँ ने एक शादी में पहना था और अभी उन्होंने मुझे दिया है, तो मैंने इसको कुछ अलग तरीके से पहना है, क्योंकि मैंने इसके साथ सिंपल ब्लाउज बनाया था। तो सादा जो ब्लाउज होता है वो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आपने मुझे देखा भी नहीं होगा पहले कभी भी किसी वीडियो में पहने हुए, या फिर बनाते हुए भी शायद नहीं देखा होगा। तो मुझे सादा ब्लाउज या फिर चोली वाले ब्लाउज जो होते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इससे ज्यादा मैं अपने लिए जो ब्लाउज बनाती हूँ वो टक्स वाले बनाती हूँ, जो सामने दो टक्स होती हैं और साइड में दो टक्स होती हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बनाने में भी कम समय लगता है और थोड़ा सा क्रॉप टॉप का लुक उसमें आता है। तो इस वजह से मैं वैसे ब्लाउज बनाती हूँ, या फिर दूसरा मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज पहनती हूँ, वो भी टॉप की तरह ही लगते हैं। तो मेरे पास एक प्लेन पिंक कलर का ब्लाउज है जो कि लहंगे की बॉर्डर से बिल्कुल मैच होता है। तो ये है वो ब्लाउज, एकदम सिंपल ही है, प्रिंसेस कट में बना हुआ है, और अच्छा वाला जो सिल्क होता है उससे मैंने इसे बनाया है, और कोई टेसल्स हैंगिंग वगैरह इसमें मैंने नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझे इसे एकदम प्लेन ही रखना था। मुझे प्लेन ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, और इसे भी मैं कई सारी साड़ियों के साथ पहनती हूँ, और जो पिंक कलर लहंगे में है बिल्कुल वही पिंक कलर ये है। तो साड़ी का जो पल्लू था उससे मैंने दुपट्टा बनाया था, तो वो भी बहुत सुंदर है। साड़ी का पल्ला था उसमें एक तरफ पतली बॉर्डर थी, दूसरे तरफ उसमें चौड़ी बॉर्डर थी। तो इस चौड़ी वाली जो बॉर्डर है वो मैंने स्कर्ट में भी नीचे के साइड लगाई है, और ये जो बॉर्डर थी वो केवल पल्ले में ही थी, तो लहंगे में इस वाली बॉर्डर का यूज नहीं हो सका, तो ये केवल पल्ले में ही आई है। और आगे की तरफ इसमें इस तरह का पल्ला था। ये जो टेसल्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं ये मेरी सासू माँ ने इसको डेकोरेट किया था। इसमें हम लेस लगाने का भी सोच रहे थे कि कुछ अच्छी और इसे हैवी बनाने के लिए इसमें लेस वगैरह लगाएं, लेकिन जब हमने इसे पहन के देखा तो इसमें लेस लगाने की हमें जरूरत नहीं लगी। और यदि आपके पास इस तरह की पुरानी साड़ी है और उससे आप कोई हैवी सा लहंगा बनाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसमें कोई स्टोन वगैरह की जो लेस आती है वो लगा सकते हैं इसके एंड में, या फिर आप यहाँ पे कोई बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी इसके साथ पहन सकते हैं। ये जो साड़ी से बना हुआ लहंगा है ये भी लहंगा आपका बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि इसका फैशन भी बहुत जल्दी आउट नहीं होगा, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी में से ही बना है, और सिल्क की जो साड़ियां और ड्रेसेस होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं, आप उन्हें कभी भी पहन सकते हैं। आप थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पहन सकते हैं, चाहे तो ब्लाउज की जो डिजाइन है वो चेंज कर करके पहन सकते हैं। और जो बूटे वाली साड़ियां होती हैं उसमें से कली वाला लहंगा किस तरह से बनाना चाहिए ये जानकारी आपको इसकी मेकिंग के वीडियो में मिलेगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा।
गाइज मैंने यहाँ पे आपको 5 अलग अलग तरह के लहंगे दिखाए हैं और कई अलग अलग तरह से उन्हें स्टाइल भी करके दिखाया है। तो इनमें से कौन कौन से लुक आपको अच्छे लगे आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे लहंगे और स्कर्ट हैं तो उनका वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी स्पेशली टीनेजर के लिए कि टीनेजर होते हैं अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं वो किस तरह के कपड़े पहने, तो इसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। उसमें आपको मैं आइडिया दूंगी किस तरह के कपड़े टीनेजर पहन सकते हैं या फिर गर्लिश लुक देने के लिए किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो इस पर मैं बहुत ही जल्दी काम करूंगी। अभी यहाँ पे अभी कोई टीनेजर गर्ल नहीं है तो मुझे अपने ऊपर ही ट्राई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।